जिम में किस एक्सरसाइज से आपको फायदा होगा इस बात की समझ नहीं आ रही, तो एक सिंपल फंडा समझो मूवमेंट का, मतलब कौन सा बॉडी पार्ट किस तरह की मूवमेंट एनेबल करता है। एक एक करके सभी बॉडी पार्ट्स को कवर करेंगे। आज बात करेंगे चेस्ट की। चेस्ट की दो मूवमेंट्स हैं मेजर, एक तो चेस्ट का काम है पुश करना और दूसरा काम है हाथों को इस तरह से पास लेके आना। अब चेस्ट की एक्सरसाइज कौन सी बनेगी, जितनी भी एक्सरसाइज में आप वेट को इस तरह से प्रेस करते हो, जैसे कि बेंच प्रेस, डंबल प्रेस, केबल प्रेस वगैरह, और दूसरी मूवमेंट है फ्लाइज वाले, केबल फ्लाइज, पेक डेक या फिर डंबल फ्लाइज। अब एक्सरसाइजेस पता चल गई। दूसरा क्वेश्चन है कितनी एक्सरसाइजेस मुझे करनी चाहिए, ये भी सिंपल है। अगर आप बिगिनर हो तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है कि दोनों मूवमेंट्स के एक एक एक्सरसाइज आप करो, दो दो तीन तीन सेट्स इनफ है आपके लिए। अगला स्टेप है कि वर्कआउट में प्रोग्रेस कैसे करनी है, ये भी बहुत सिंपल है। एक एक मूवमेंट की एक एक एक्सरसाइज करते हुए दो दो तीन तीन सेट्स लगाते हुए जब कुछ हफ्ते आपको हो जाए तब सेट्स की गिनती बढ़ा सकते हो। उसके बाद जब ये काम करते हुए भी थोड़ा टाइम हो जाए तो सेम मूवमेंट की डिफरेंट वेरिएशंस आप ट्राई कर सकते हो। जैसे अभी तक आप फ्लैट बेंच लगा रहे थे तो उसके साथ आप इंक्लाइन ऐड कर सकते हो।